हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे क्लास टेंथ की केमिस्ट्री, जो हमारा आज चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 3 जो धातु और अधातु है, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो हमें 24 में होने वाला है, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली क्लास की तरफ, बिना क्लास को देरी की हुई है। आज की पहली प्रश्न कहता है अम्ल गम एक मिश्र धातु है। क्या अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है? तो कौन सा धातु है जो हमेशा रहता है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कहता है कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कहता है पारा, या ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पारा हमेशा उपलब्ध रहता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्या कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, या ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम नहीं करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या आता है CU कॉपर, ऑप्शन बी AG यानी कि चांदी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी Fe लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, AG यानी कि चांदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चार कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन ए कहता है लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 का राइट आंसर। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या बॉक्स है। चलिए आगे बढ़ते निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए लोहा Fe, ऑप्शन बी Cu कॉपर, ऑप्शन सी Ni निकेल, ऑप्शन डी कहता है Sb यानी कि टीन। तो इसका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, Sb। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर छठा कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, या 12 कैरेट में? तो शुद्ध सोना कितना होता है, आप सभी को पता होगा शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, कितने का होता है 24 कैरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 पीतल है एक, तो पीतल क्या कहता है, पीतल है एक, तो पीतल क्या है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, या अधातु है? तो पीतल हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। पीतल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 8। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन ए लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी आयरन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लिथियम, लिथियम को हम आसानी से काट सकते हैं, लिथियम को भी और सोडियम को भी हम आसानी से काट सकते हैं, सोडियम को भी आसानी से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 का था, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी कहता है CaCl2, ऑप्शन सी कहता है NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 इज द राइट आंसर। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में कौन अधातु है। निम्न में कौन अधातु है? ऑप्शन ए लोहा Fe, ऑप्शन सी कार्बन Ic, ऑप्शन सी कहते हैं एल्यूमिनियम Al, ऑप्शन डी Au सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं। अम्ल, ऑप्शन ए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ऑप्शन बी कहता है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन सी कहता है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, धनायन, ऋण आयन, उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? धन आयन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तेरह कहता है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौदह कहता है, अयस्को से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रयुक्त विधि की जाती है वह क्या है। हाथ से छूने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्पलन विधि या ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 का, जरा 14 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह का था, सल्फाइड अयस्को का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निच्छालन के द्वारा, फेन के द्वारा, निस्थापन के द्वारा। क्या हो जाएगा? निस्थापन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? फेन के द्वारा, फेन यानी कि फेन 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 प्लवन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सोलह कहता है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है किसका, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए मैंग्रेलियम, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पीतल या ऑप्शन नंबर डी कांसा। आइए जानते हैं सोलह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सत्रह कहता है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर ग्लान से किया जाता है, कॉपर पैरासाइट, क्यूप्राइट या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। सत्रह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अठारह कहता है, मिश्र धातु के परमाणु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मिश्र धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए कहता है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी कहता है 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी कहता है
चार पाँच छः सात, या ऑप्शन डी 4 5 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 4 5 6 7। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, साधारण गंधक किस आण्विक रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए एस के रूप में, ऑप्शन बी एस थ्री के रूप में, ऑप्शन सी एस एट, या ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एस फोर के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, फास्फोरस के अणुसूत्र होते हैं, फास्फोरस के अणुसूत्र होते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी पी टू, ऑप्शन सी पी एट, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पी फोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पी फोर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी 20 हो गया, 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर इक्कीस कहते हैं, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ऑप्शन ए अम्ल राज में, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी शांत नाइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अम्ल राज सांद्र में सोना घुल जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कौन सा अधातु क्या कहता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी अल्मोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कहता है अधातु, क्या कहता है? अधातु। तो अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और धातु क्या कहता है? तो पारा, धातु पारा। लेकिन यहाँ पे कहता है अधातु, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब पारा क्या हो जाएगा? धातु। पारा हो जाएगा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आगे फिर से ध्यान दीजिएगा 22 का, अधातु है इसीलिए पारा, और धातु रहता तो पारा, अधातु है तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? अधातु है तो ब्रोमीन, अधातु है तो पारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, शीशा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेंटल, ऑप्शन सी उपधातु कहते हैं। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए शोल्डर, शीशा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, या ऑप्शन डी सोना। आइए जानते हैं 24 का राइट आंसर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? क्या अति मतलब अत्यधिक ज्वलनशील होगा? ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी साधारण गंधक, ऑप्शन डी प्लास्टिक गंधक। तो ये जानते हैं 25 का राइट आंसर। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वेत फास्फोरस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। किसे अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? क्या
अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड बनाया जाता है, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अपघट या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एनोड क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सत्ताईस कहता है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्या अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस क्या कहता है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए साधारण गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन बी अष्टफलकीय गंधक, ऑप्शन सी श्वेत फास्फोरस या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आइए बताए, आइए जानते हैं 28 का राइट आंसर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में है साधारण गंधक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 कहता है, एक ग्राम सोने से कितना लंबा है, एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर लंबा, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर या ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो इज द राइट आंसर, 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीस कहता है, कमरे के ताप पर मरकरी यानी कि पारा किस अवस्था में पाई जाती है। क्या हो जाएगा, मरकरी यानी कि पारा Hg किस अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी द्रव अवस्था में, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या, पारा कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु बोलेगा तो पारा और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर पाई जाती है। अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, व्यावसायिक स्तर पर अल्मीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन ए क्रायोलाइट से, ऑप्शन बी बॉक्साइट से, ऑप्शन सी कोरंडम से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए जानते हैं 31 का राइट आंसर। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन ए भार्जन, ऑप्शन बी प्राकरण, ऑप्शन सी द्रवणांक या ऑप्शन डी धातु मल। ऑप्शन डी क्या है, धातु मल। तो बताइए इसका राइट आंसर, आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी धातु मल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। अपरूपता, समान व्यवस्था, समरूपता या ऑप्शन डी उभय धर्मीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपरूपता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34
क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है, धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्या होती है धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस आइए जानते हैं 34 यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 के राइट आंसर धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो विद्युत की धनात्मक होती है। कैसी होती है, विद्युत की धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। धातु की पतली परत यहाँ पे हो जाएगा, धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा की, ऑप्शन बी चांदी की परत, या ऑप्शन सी सोने की परत, या ऑप्शन डी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो आइए जानते हैं 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए को गर्म करने पर यानी कि विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, या ऑप्शन डी कच्चा चूना को गर्म करने पर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो किया जा सकता है। तो इसका 36 यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। क्या होता है, ताजा मिश्रण होता है। देखते हैं ऑप्शन कहता है 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी कहता है 3:1, या ऑप्शन नंबर डी 1:3। आइए 37 यानी कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1:3। क्या हो जाएगा, 1:3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर क्या होती है, धातु चमकदार होती है, खुरदुरा होती है, काला होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो धातु की सतह कैसी होती है, धातु की सतह चमकदार, खुरखुरा, काला, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो धातु की परत होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धातु की परत कैसी होती है, चमकदार होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, धातु की पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, आघात वर्धीयता, तन्यता, लचीलापन, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तन्यता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 कुछ धातुएं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए तन्यता कहते हैं, आघात वर्धीयता भी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धीयता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, जो धातु कठोर
सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है तो क्या कहते हैं? जो धातु कठोर से कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी ध्वनि सोरेंसर, ऑप्शन बी ध्वनिक सोरेंसर, ऑप्शन सी आघात वर्धीयता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जानते हैं 41 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि सोरेंसन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? बताइएगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोना होता है। तो आइए जानते हैं 42 का राइट आंसर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सोना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्या ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 43 का राइट आंसर यानी कि 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। क्या होती है? चमकीली होती है धातु, अधातु होते हुए भी ये चमकीली होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर चौवालीस कहता है सबसे कठोर प्रकृति का कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द हीरा इज द राइट आंसर। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। लिथियम और सोडियम पोटेशियम की सब हम क्या करते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 और आज की अंतिम प्रश्न के साथ। क्या कहता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोडीकरण, ऑप्शन बी कैथोडीकरण, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनोडीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किया। चैप्टर किसका? चैप्टर धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 3 ही धातु और अधातु को हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम 45 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।